गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना इलाके से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर की चप्पल से पिटाई करती हुई दिखाई दे रही है। एसपी ट्रैफिक के मुताबिक वरिष्ठ नागरिकों द्वारा एक शिकायत की गई थी कि कनावती कट सड़क पर ई रिक्शा चालक काफी जाम लगा देते हैं। आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक टीएसआई के साथ एक महिला द्वारा अभद्रता की जा रही है। इसका तुरंत संज्ञान लेकर जांच किया गया तो यह जो घटना है वो थाना इंदिरापुरम क्षेत्र के कनावनी कट का है, जहां पे कुछ वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा ई रिक्शा के द्वारा जाम लगाने की शिकायत की गई थी, जिस पर टीएसआई द्वारा मौके पर जाकर ई रिक्शा को वहाँ से हटवाया जा रहा था। इस दौरान एक महिला ई रिक्शा चालक के द्वारा टीएसआई के साथ अभद्रता की गई, उसके ऊपर ई रिक्शा चढ़ाने की भी कोशिश की गई। वहाँ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यह आए दिन महिला दबंग प्रकार की है और आए दिन किसी न किसी के साथ मारपीट की घटना करती रहती है। पूर्व में भी इसके द्वारा अनेक लोगों के साथ अभद्रता की गई है। इस संबंध में टीएसआई के द्वारा तहरीर थाना इंदिरापुरम में दी गई है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही महिला ई रिक्शा चालक के द्वारा बगैर नंबर प्लेट की ई रिक्शा चलाए जाने के विरुद्ध भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शिकायत के आधार पर टीएसआई द्वारा ई रिक्शा को मौके से हटाया जा रहा था, जिससे जाम जैसी स्थिति पैदा ना हो। इसी दौरान एक महिला ई रिक्शा चालक ने पुलिस कर्मी के साथ अभद्रता करना शुरू कर दिया और टीएसआई की पिटाई कर दी। पुलिस इस मामले में लीगल एक्शन ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।